देश भर में आम चुनाव चल रहे हैं। लोकतंत्र के महापर्व में लखनऊ और मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में लड़ाई बेहद दिलचस्प है। लखनऊ में बीजेपी से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तो सपा से रविदास मेहरोत्रा मैदान में हैं। मोहनलालगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के कौशल किशोर गठबंधन प्रत्याशी के तौर पर आर के चौधरी और बसपा से मनोज कुमार लोकसभा उम्मीदवार हैं। ऐसे में अनादि टीवी संवाददाता ने जानी जनता की राय। आइए देखते हैं जनता का क्या है कहना। मौजूद है लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में और यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग उपस्थित हैं और यहाँ आप देख सकते हैं ये होटल है और ये मेन सीतापुर बाईपास है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं बात करने के लिए, लोकतंत्र के पर्व पर बात करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि मतदाता का मूड क्या है, किस हिसाब से लोकसभा चुनाव को देखते हैं और लोकसभा चुनाव में किस हिसाब से भागीदारी करते हैं जानेंगे। एक सज्जन हमारे साथ मौजूद है पहले जी, क्या नाम है आपका? राकेश जायसवाल। राकेश जी, ये बताइए, ये लोकसभा चुनाव को आपकी बार किस हिसाब से देखते हैं? सर जी, केवल महंगाई के मुद्दा बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ इतनी महंगाई है कुछ कहा है। आम आदमी का जीना मुश्किल है। जो 10 रुपए की चीज़ रहा है 50 रुपए में बिक रही है। दाल चावल आटा रोज़ रोज़मर्रे की ज़िंदगी वाली तो इतनी महंगी कि आदमी अपन घर चलाना मुश्किल है। आपका क्या नाम है? अनिल कुमार। अच्छा अनिल जी, ये बताइए, आप वोट डालते हैं? जी डालते हैं। क्या मुद्दे देखते हैं अभी जो शेष है, या किस हिसाब से आप वोट करना चाहेंगे अभी लोकसभा चुनाव में? वोट तो कि देना तो मोदी ही को चाहते थे, लेकिन महंगाई की वजह से और ना कोई काम हो रहा, इतने पानी में मंझा रहे, ना कोई विकास हुआ है ना कुछ हो रहा है। गांव हमारा है रामनगर ढकवा, ना प्रधान भी ध्यान दे रहा, ना कौशल किशोर सांसद विधायक कोई भी झाँकने नहीं आ रहा आज तक का। क्या देखते हैं नज़रिया का? सब सारा काम भ्रष्टाचार ख़त्म है, लड़कियाँ भी क्या सुरक्षित हैं, सिर्फ थोड़ी महंगाई है, बस उसको भी धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। अच्छा कमलेश जी, आप वोट डालते हैं। अच्छा आपकी बार किसको किस हिसाब से वोट करेंगे? जो अच्छा करेगा उसको ही देंगे, सबको सुनाएंगे। क्या समस्याएं हैं आपकी नज़र में अभी? अभी समस्या कुछ भी नहीं है, सब जगह सब विकास हो रहा है, धीरे धीरे हर चीज़ परिवर्तन हो रहा है हर चीज़ का। अब यहाँ पर देखिए, पहले कुछ भी नहीं था, अब पार्क मिल रहे हैं यहाँ पे, अब कुछ दिन के बाद धंधा पानी में अच्छा चलने लगेगा यहाँ पे। उन्होंने बताया जो विकास करेगा, जो परिवर्तन लाएगा उसी वोट देंगे। हमारे साथ एक लोग और मौजूद है, क्या नाम है आपका? जी विजय सिंह कुशवाहा। अच्छा विजय जी, ये बताइए, वोट डालते हैं आप? जी डालते हैं। क्या अब की बार लोकसभा चुनाव को किस हिसाब से देख रहे हैं आप? अब इस हिसाब से देख रहे हैं सर कि जो अच्छा काम करेगा उस हिसाब से देख रहे हैं, उसी को हम वोट देंगे। कुछ समस्याएं भी हैं या नहीं है ये सरकार आने के बाद? इस सरकार आने के बाद कोई समस्याएं नहीं है अभी। क्या नाम है आपका? मोहित जी। मोहित जी, ये बताइए, आप पहली बार वोट डाल रहे हैं या डालते हैं? ये पहली बार डाल रहे हैं। आपके नज़र में क्या समस्याएं हैं अभी तक, किस हिसाब से वोट करेंगे आप? सर जो विकास करेगा उसी को वोट जाएगा। यहाँ पर बात करने पर लोगों ने बताया जो विकास करेगा, जो युवाओं के हित में काम करेगा उसी को ये लोग वोट देंगे। और 20 मई को लखनऊ लोकसभा क्षेत्र में व मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में कह रहे हैं युवा कि हम बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी लेंगे व विकास करने वाले, देश हित में काम करने वाले लोगों को ये लोग वोट करेंगे। जनता का यही मूड है। अभय प्रताप सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ। मौजूद है लखनऊ।